नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि इस समय आप लोग लो विक्स में काफी परेशान होंगे, बिकॉज आप लोग ऑप्शन सेलर्स हैं मोस्टली। तो लेकिन मैं ये बात बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस लो विक्स में भी अगर कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, तो मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई स्ट्रेटेजी है ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी। और उसमें मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं जिन्होंने जुलाई मंथ में भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। बट मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई, मैं जो भी आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं या इस चैनल पर कोई भी जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा की गई या मेरे द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ करते करते उसे सीखा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं किसी भी वीडियो या किसी भी कंडीशन में आप लोगों को मोटिवेट नहीं करता कि आप कोई भी ट्रेड लें या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करें। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। इस बात को आप लोग हमेशा समझें। मेरा या मेरा चैनल इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के कंटेंट पर। जुलाई का मंथ एक्सपायर हो चुका है और इस मंथ में भी हमारी ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। दो चार लोगों के कमेंट्स आए, वो थोड़ा परेशान थे इसमें इस मंथ में। वो उनके कमेंट्स के द्वारा, जो मैं जहां तक मैं समझ पाया, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जिस तरीके से मैंने बता रखा है उस तरीके से ट्रेड को डिप्लॉय नहीं किया। उन्होंने डेट्स चेंज की हैं शायद, या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात होगी। बट मैं आपको बिल्कुल बाय रूल बताऊंगा जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड को लेते तो क्या कंडीशन होती। और इसमें एक साथ के साथ मैं आप लोगों को कुछ अनदर एडजस्टमेंट भी बताऊंगा जो आप लोगों के काम आएगी। एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग मार्केट, आप लाइफ में भी एडजस्टमेंट आपकी सीधी सीधी नहीं होती होगी। जिंदगी में अगर आप कुछ करते हो तो हर वक्त हर समय आपके अलग अलग कंडीशंस होती है, और उन कंडीशंस के साथ आप अपनी लाइफ को जीते हो। तो सेम मार्केट है, मार्केट में भी मार्केट की कंडीशंस आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ करवाती है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी मैंने डिप्लॉय की थी, ये बहुत ही शानदार वीडियो है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने ये बात कही थी, आप लोगों को शायद याद होगा जिसने ये वीडियो देख रखी है, कि मैंने अपनी ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी को जो जुलाई मंथ की थी, उससे 4-5 दिन पहले ही लॉस फ्री कर ली है। तो मैं वो कंडीशंस भी बताऊंगा कि मैंने कैसे लॉस फ्री की थी और उसमें मैंने और क्या शानदार एडजस्टमेंट किए थे। तो दोनों कंडीशंस के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर अभी तक दोस्तों किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, जो काफी बेस्ट होती है। और साथ के साथ मैं अपने पुराने फॉलोअर से जरूर कहूंगा कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं। आप जानते हैं मैंने हमेशा बोला है कि ये ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी हम मंथ के फर्स्ट डे पे डिप्लॉय करते हैं, मार्केट शुरू होते ही 5-10 मिनट के अंदर। तो हम 5-10 मिनट के अंदर तो हम 9:20 का टाइम ले लेते हैं। निफ्टी की स्ट्रेटेजी, निफ्टी हमने सेलेक्ट कर लिया है 3 जुलाई, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 जुलाई 9:20 का समय हो रहा है। तो अब आपका एटीएम क्या है? एटीएम आप देखो मेरे कर्सर पे 19300। तो इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कैसे करते हैं, सब कुछ मैं वन बाय वन फिर से बताने वाला हूँ, आप इस पे ध्यान दें। 19300 है, फिर भी अगर किसी को, देखो चीजें सीखने में परहेज नहीं होना चाहिए। एक आध वीडियो से अगर आपको नहीं है, तो कुछ चीजें इस वीडियो में कवर हो जाती है, कुछ पहले की वीडियो में भी हमारे मुंह से निकली होती है। तो हर वक्त आदमी को क्या कहना है ये पता नहीं होता, और आपने किस तरीके से आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट किया है वो हर वीडियो में मे भी अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें, आपको बहुत हर पॉइंट हर वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि 19300 का एटीएम है, आपको ट्रेड डिप्लॉय किस तरीके से करना है। पहले तो हमें एक्सपायरी चूज कर लें 27 जुलाई। अब आपको यहां देखो 19300 के एटीएम में हमें अब पुट साइड में कैसे ट्रेड डिप्लॉय करनी है। 19100 का एक लॉट बाय, ये मैं एक लॉट की कंडीशंस में
आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बट आप जैसे जैसे अपने लॉट्स को इसी रेशियो में नेक्स्ट, अब हम यहां से 200 पॉइंट पीछे मींस 18900 के दो पुट सेल करेंगे, दो एक एक लॉट है ना। तो अब आपने अगर अपने रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने अगर एक लॉट में काम किया है तो यहाँ पर दो करना है, अगर आपने चार लॉट में काम किया है तो यहाँ पे आठ करना है, या आप अपने रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कितने लॉट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से फिर 200 पॉइंट दूर 18700 का एक लॉट बाई करेंगे, और फिर 200 पॉइंट दूर 18500 के दो लॉट सेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कॉल की तरफ। 19300 हमारा एटीएम था, तो यहां से 500 मींस 200 पॉइंट दूर का एक लॉट बाय, फिर 200 पॉइंट दूर मतलब 19700 के दो लॉट सेल, फिर 200 पॉइंट दूर 19900 का वन लॉट बाय, और फिर 200 पॉइंट दूर 20100 के दो लॉट सेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये स्ट्रेटेजी आपकी बन चुकी है, और इसमें आपको दो रूल मैंने बता रखे हैं कि भाई मैक्स प्रॉफिट का हाफ 6000 है, इतना लॉस हो या इतना प्रॉफिट हो हमें एग्जिट कर देना है। साथ के साथ ये भी कंडीशन दे रखी है कि ये आपको देखना कब है, डेली एंड ऑफ द डे। अगर आप दिन भर चेक करते हैं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो दो तीन लोग जो होंगे उन्होंने शायद बीच में मार्केट को ज्यादा वॉच किया है। ये स्ट्रेटेजी का नाम जब मैंने बताया आपको, ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी है। इसमें ट्रेड लो भूल जाओ की कंडीशन जब है तो आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे ही हमेशा देखना है, उससे पहले देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजी में आप देखो ये रेंज मिलती है आपको 18479 मीन्स 18400 समथिंग और 20200 समथिंग तक, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एंड ऑफ द डे जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की एक कंडीशन होती है, और वो मैंने आपको बताया कि आपको टेक्निकल भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बट हम इसे एक एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑफ द डे ले चलते हैं पहले, तो 3 जुलाई के एंड ऑफ द डे ये हमारी कंडीशन थी। अब डे बाय डे हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो दोस्तों 1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2400 का हो रहा है, 11 जुलाई आ गई 2700 का हो रहा है, और दोस्तों यहां पर ये 2800 का हो रहा है। नेक्स्ट डे जो कि 13, 13 को नहीं 14 को, 14 को मैंने ट्रेड अपनी एडजस्ट की थी। वो एडजस्टमेंट क्या की थी वो अभी हम रिटर्न आके देखेंगे, बट आप देख रहे हो यहाँ पर 3300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी इस अपने मास्टर स्ट्रेटेजी के अंदर बोला था कि मैंने अपनी 3-4 दिन पहले ट्रेड लॉस फ्री कर ली है, उसका कारण यही था कि मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूं कि भाई आप लोगों ने अगर नहीं करी है, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप लोग चीजों को पूरी तरीके से नहीं समझते, और हर चीज के लिए मैं अपनी वीडियो बनाऊं ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, वैसे अगर बहुत सारे लोगों के टेक्निकल पे वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो पर डे मैं इवनिंग में वीडियो, शॉर्ट वीडियो या छोटी वीडियो करके आप लोगों को बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों। बिजी हूं मैं भी अपनी लाइफ में, तो सारी इतनी सारी चीजों के साथ फैमिली भी देखनी होती है, तो थोड़ा सा अनकंडीशनल है। बट मैं आप लोगों के लिए, अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड होगी कि मैं टेक्निकल पे पर डे इवनिंग में वीडियो शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने इसलिए आप लोगों को ये जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है इसमें कहा था कि 3-4 दिन पहले मैंने अपनी ट्रेड को लॉस फ्री कर लिया है। ये एक हिंट था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इस कंडीशन को देख लें, बिकॉज मार्केट अपना एक हाई के आसपास था, और मेरा टेक्निकल कह रहा था कि यहां से मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। तो मैंने क्या एडजस्टमेंट की वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले हम चलते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो भी इस मंथ का क्या रिजल्ट हुआ है।
ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना 14 जुलाई को मैंने एंड ऑफ द डे एडजस्टमेंट की थी, वो क्या की थी वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिर डे बाय डे आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। मार्केट ऊपर गया 1900 का प्रॉफिट है, मार्केट और ऊपर गया 1600 का प्रॉफिट है, मार्केट और ऊपर गया 700 का प्रॉफिट है, यहां आप 19850 के आसपास आप आ चुके हो। अब मार्केट और ऊपर गया और 2600 का लॉस है, लेकिन क्या ये लॉस जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है वो लॉस को बीट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना दोस्तों, तब भी आप लोग पैनिक हो रहे हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है, हालांकि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं करना है, मैंने एडजस्टमेंट पहले भी अपनी इन वीडियोस में कुछ बताई है आप लोगों को, और आज फिर मैं आपको बहुत सुनहरी एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं, लेकिन यहां पर आपका स्टॉप लॉस बीट हुआ क्या भाई? यहां पर 6000 अगर दिखते हैं एंड ऑफ द डे, आपको ट्रेड कार्ड देनी है, लेकिन अगर आपको नहीं यहां पर दिखे आपका स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ तो आपको पैनिक नहीं होना है। अब फिर हम नेक्स्ट डे बढ़ते हैं, आप फिर 2600 के प्रॉफिट पे हैं, फिर नेक्स्ट डे बढ़ते हैं आप 5000 के प्रॉफिट में हैं, आपका टारगेट आने वाला है, और नेक्स्ट डे आपका टारगेट दोस्तों यहां पर अचीव हो गया है। तो अब यहां पर आपका टारगेट 25 जुलाई को अचीव हो चुका है, फिर भी हम इसे एक्सपायरी तक जाके देखते हैं कि अगर हम अपने टारगेट पे एग्जिट नहीं करते तो हमें कितने का प्रॉफिट होता। एक मिनट फ्रेंड्स, 6400 नेक्स्ट डे, और ये एक्सपायरी पे आपको 27 थर्सडे को एंड ऑफ द डे 9900 समथिंग आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। इस स्ट्रेटेजी ने इस मंथ में भी बहुत अच्छा काम किया, जिसका नाम ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी है, इसने आपको बहुत एक शानदार प्रॉफिट यहां पर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जरूर वही है बात जो मैंने आपको पहले कहा है कि भाई स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लर्निंग ले रहा है, तो इन सब चीजों को आप लोग समझो। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इस तरीके से जब लेवल्स वगैरह टूटते हैं, या देखो इतना कई बार कंडीशंस आती है कि नहीं शेयर करना याद रहता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो उसमें हिंट में देने की कोशिश करा करूंगा, जिससे आप लोग इन सब चीजों को समझ सकें कि भाई मैंने एग्जिट किया है या क्या है, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, और मुझे तो ये अफसोस है कि भाई मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ऑलरेडी हिंट कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने इस चीज को शायद नहीं समझा, और ये वीडियो जहां तक मुझे याद है मैंने लास्ट वीक में वेनेसडे को रिकॉर्ड की थी, ट्यूसडे या वेनेसडे में मैंने रिकॉर्ड की होगी, और उसके बाद मैंने इस वीडियो में इसी वीडियो में शेयर किया था कि भाई 3-4 दिन पहले मैंने ट्रेड को लॉस फ्री कर लिया है। तो मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब वो 3-4 दिन पहले मैंने लॉस फ्री कर लिया है, और अगर आपका मौका निकल भी गया था तो उसके बाद भी मौका आया था, अब वो कैसे आया था अब आप यहां पर देखना। तो हम चलते हैं सीधे इसे बैक करते हुए 1/1 डे के साथ 14 जुलाई पर। फोर्टीन जुलाई को इस स्ट्रेटेजी ने आपको यहां पर 3300 रुपये दे रहा था। अब अगर हम इसे यहां पर, मैंने क्या किया, ये एक मिनट में थोड़ी सी और कंडीशनल बताऊं आपको भाई, लॉस थोड़ा सा मैं फिर आपको देखो, क्योंकि वीडियो में फिर बात आती है ना कि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ कंडीशंस आ जाती है, याद आ जाती है चीजें जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो अभी हमने मैंने 14 को क्या किया वो मैं फिर थोड़ा बाद में बताऊंगा, आप उसे क्या कर सकते थे जो मेरे वीडियो ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के बाद क्या टाइम में भी आपको जो मौका मिला उस मौके को दिखाता हूं मैं आपको। यहां जब आपको लॉस आया, इस लॉस के बाद आपको फिर इस पॉइंट पर फिर मार्केट ने मौका दिया, देखो ये जो 5000 का प्रॉफिट हो रहा था बट आपका टारगेट नहीं आया था, तो आप क्या कर सकते थे, आराम से ये दोनों लॉट जो हमारे पुट के थे इनको एग्जिट करते, और ये लॉट जो आपका 20100 का कॉल है इन दोनों को एग्जिट करते। अब आप देखो ट्रेड लॉस फ्री हो गई आपकी। अब आप एंड ऑफ द डे जाके देखो, यहां पर देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें हो रही हैं, मेरे हिंट के बाद की कंडीशन है ये, लेकिन शायद ही बहुत सारे लोगों ने किया या नहीं किया ये तो भाई
आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन मेरे ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी जो मैंने वीडियो डिप्लॉय की, इसके बाद की कंडीशन थी, तब भी हिंट करने के बाद भी शायद बहुत सारे लोगों ने किया नहीं किया, पता नहीं। अब इसमें भी हम एंड ऑफ द एक्सपायरी अगर जाते तो 9200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था और टेंशन फ्री हो गए थे। लेकिन हम लोग क्या है, पता नहीं खुद से क्यों नहीं सोचते। वीडियो से हिंट लेना तो अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों को बीच बीच में ये सब चीजें देखनी है। तो फिर से मैं पीछे जाता हूं, इसको मैं रिज्यूम कर लेता हूं, जैसे हमने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अब मुझे 14 जुलाई को आप लोगों को करके दिखाना है कि मैंने क्या किया था। हम चलते हैं डे बाय डे, 14 जुलाई। फोर्टीन जुलाई को फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले ये डाउन साइड पुट साइड के इनको एग्जिट किया, जो आपको वहां अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब 5000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो सेम कंडीशन मैंने ऑलरेडी 14 जुलाई को 18500 और 18500 के जो दोनों लॉट थे उनको एग्जिट कर दिया था। और कॉल साइड में ये जो है 20100 के मुझे एग्जिट करना था, बट मुझे एग्जिट ना करके मैंने यहाँ एक एडजस्टमेंट करी, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक मेरे टेक्निकल के द्वारा एक चीज पता चल रही थी कि भाई यहां पर मेरा ये मार्केट अपसाइड में, क्योंकि ये जो 19587 है यहां पर मुझे कंडीशंस दिख रही थी कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग हो सकता है, तो मुझे यहाँ एडजस्टमेंट की नीड है। और मैंने उस एडजस्टमेंट को करते हुए पुट साइड की तो एग्जिट कर दी है, कॉल साइड में मैंने 19900 का ये लिया। कहां से मैंने, इस कोन का ये वाला एरिया, तो ये 19900 का मैंने एक लॉट और बाई कर लिया, ठीक है दोस्तों। और 20100 के ऑलरेडी दो लॉट सेल थे, उन्हें सेल रहने दिया, और 20300 का एक लॉट और बाई कर लिया। ये मैंने ट्रेड बना ली दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि ये मेरी ट्रेड बन गई, तीन कोण कंडीशन। अब मेरे को यहां तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप इस पे मेरे कर्सर पे देखो, 20300 के आसपास तक मुझे प्रॉफिट ही होगा, उसके बाद होगा लॉस तो 355 रुपए का होगा। आप देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो, लॉस मैक्स लॉस 355 रुपए शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मैंने जिस तरीके की एडजस्टमेंट की उसके बाद ट्रेड में क्या हुआ। 19719 हुआ, यहां पर आप देख रहे हो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, अप साइड में मूव किया। 744 हुआ। अब यहां पर एक चीज मैंने और की, सेम हेयर मैंने 19840 आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मार्केट ने डाउन साइड में आया तो इस एरिया में आकर अगर एक्सपायर होता है तो मुझे शायद प्रॉफिट ना हो। देखो यहां अभी मेरा टारगेट नहीं आया है, मेरा टारगेट 6000 रुपीज यहां नहीं आया है, तो अभी भी मुझे कुछ करना था, और वो मैंने क्या किया। आप लोग जो नहीं सोचते हो, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि यार मैंने आप लोगों के लिए अगर अपनी सभी चीजें ओपन कर दी हैं। बहुत सारी चीजें जो लोग हाइड करते हैं, अपनी वीडियो अपने कंटेंट में नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने बखूबी ये कंटेंट में अपनी सभी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल दिल से। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जो नए चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। बिकॉज पता है होता क्या है कि जब मैं ये वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत अनदर यूट्यूब चैनल भी मेरे वीडियोस को कॉपी करके और उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के वो वीडियोस को जो है मेरी स्ट्रेटेजीज को बताते हैं। तो आई होप आप लोग इन चीजों को समझोगे कि मेरे कितना बड़ा इस सब कंडीशन से लॉस भी होता है, बट ठीक है, मैं अपने जो काम करना चाहता हूँ उसे मैं अच्छे मन से करना चाहता हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब जब 850 आया, 19850 के आसपास, मैंने यहां पर दोस्तों 19
500। अब ये 19500 मैंने कहां से लिया, ये कोन का बॉटम, आप देखो कर्सर 19500 के आसपास दिख रहा है, तो मैंने 19500 का एक पुट बाई किया, फिर वही 200 पॉइंट दूर 19300 के दो लॉट सेल किए, और फिर 19100 का एक लॉट ऑलरेडी बाई था, एक लॉट मैंने और बाई कर लिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये बन गई दोस्तों, इतनी बड़ी रेंज में अगर आप देखो तो हमें 18700 से लेके अभी हम कहां पर है, डेट है हमारी 19 जुलाई, हमारी एक्सपायरी में 27 जुलाई की एक्सपायरी है, समथिंग 6-8 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड को एक बखूबी तरीके से मैनेज करते हुए 18700 से लेके 20300 तक मैंने अपने, आप कर्सर पे देख सकते हो यहां पर तो ब्रेक ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना यहाँ पर हमें अगर मार्केट एक्सपायर होता है बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं तो हमें थोड़ा सा लॉस होगा, कितना लॉस होगा, मैक्स लॉस 680 है तो इसके हिसाब से होगा, चाहे वो 100 रुपए का हो चाहे 200 का हो मे बी, ठीक है, इस रेंज को क्रॉस करेगा तो भी हमें 680 का क्रॉस लॉस होगा, लेकिन इतनी बड़ी रेंज जो कि आप देख सकते हो मेरे कर्सर से 18720 के आसपास से और 2294 मींस 20,300 समथिंग की मेरी रेंज ओपन हो गई। अब बताओ मार्केट चल रहा है 19800 पे, अब मुझे क्या करना है इस ट्रेड में, कुछ भी नहीं करना, चिल रहना है, अपने टारगेट का इंतजार करना है, लेकिन वो टारगेट कब कंडीशनेबल था, जब वो मेरे को लॉस भी दे सकता था तब मैंने वो टारगेट को 6000 के लिए रखा था, जब स्टार्टिंग थी हमारी ट्रेड डिप्लॉय करने की, कि 12000 मैक्स प्रॉफिट था, तो एक बेस लाइन हमने बना रखी है, एक रूल बना रखा है, क्योंकि बगैर रूल के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ रूल ही लेके बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर हमारी ट्रेड के अंदर रूल था कि 12000 अगर हमारी मैक्स प्रॉफिट है तो हाफ उसका 6000 हमें प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। यहां पर अभी हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ है और लॉस अब हमें हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें बैठना चाहिए चाहे टारगेट मिले और या चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो अब देखो आप 4000 है, मैं डे बाय डे बढ़ा रहा हूं, 4100 4400 आप पीएनएल पे ध्यान दे सकते हैं, 4500 4700 और एक्सपायरी के डेज पे 7280 रुपीस, एक हैंडसम प्रॉफिट विदाउट टेंशन। किस डेट से टेंशन हमारी खत्म हो गई, 14 जुलाई से हमारी ट्रेड में टेंशन खत्म हो गई थी। आप लोग पैनिक जबरदस्ती लेते हैं क्योंकि आप लोग माइंड ओपन नहीं रखते हैं, आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि ट्रेड को हम किस तरीके से खूबसूरती से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं हर वीडियो में मोस्टली बताता हूं कि भाई आप लोग अपने माइंड को ओपन रखें जिससे आप ट्रेड को एक खूबसूरती के साथ मैनेज कर पाएंगे और अननेसेसरी की पैनिक नहीं लेंगे। आप सोच के बताओ कि 14 जुलाई के बाद से आपको, 14 जुलाई तक तो ठीक है थोड़ा बहुत टेंशन होता है, वो भी टेंशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि बिकॉज मार्केट आपकी रेंज में था, आपके बिटवीन में था मार्केट, तो आपको एक दिन में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आ जाएगा, लेकिन 14 जुलाई के बाद हमने ट्रेड को मैनेज कर लिया और हमारी 27 जुलाई तक हमें ट्रेड में किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी, बस हम उसके साथ ऑप्शंस प्ले कर रहे थे, और मैं बताता हूं कि ये ऑप्शंस गेम ही ऐसा है कि आपको ऑप्शंस के साथ प्ले करना आना चाहिए हमें, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक और चीज हमेशा बता रखी है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, फिर से एक बार शेयर कर दे रहा हूं कि आपका जो मैक्स प्रॉफिट होता है उसका हाफ प्रॉफिट या लॉस दिखेगा तो आपको ट्रेड एग्जिट कर देनी है। साथ के साथ एक कंडीशन और रहती है इस ट्रेड में, ट्रेड लो भूल जाओ स्ट्रेटेजी, जो फेल हो सकती है उस कंडीशन में और उसके लिए हमेशा हमें रेडी रहना है, क्या, न्यूज। सपोज आप लोग जानते हो, अच्छा वो न्यूज हमेशा नहीं आती, 2-4 साल में एक आध बार आती है, जैसे अगर हम 2020 की बात करें, कोविड था, ऐसे टाइम पे हमें ट्रेड नहीं बनानी है, ठीक है, जब हमें लग रहा है कि बहुत अलग अनकंडीशनल मार्केट ट्रेड हो रहा है। सेकंड, आपको वॉर की न्यूज आई थी, मार्केट अनबैलेंस था, नहीं बनानी है। क्या हो जाएगा अगर हम 1-2 महीने ट्रेड नहीं बनाएंगे, तो पेट में दर्द थोड़ी होने लगेगा, लेकिन हमें अपनी कैपिटल को सेफ रखना है,
कभी भी अपनी कैपिटल के साथ गैम्बलिंग नहीं करनी है ना। तो आप ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगर कल को आपने ट्रेड बनाई, आप एक बार इमेजिनेशन करके देखो, देखो हर चीज को पिक्चराइजेशन किया करो, इमेज करो कि आपने ट्रेड बनाई, आपको आज नहीं पता था कि कोई ट्रेड में मतलब कल क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे कोई बहुत खराब न्यूज आ गई, मैंने मान लिया कि मार्केट ने 200-400 पॉइंट आपके अप मूव दे दिया, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट डे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस बीट होगा, आपको ट्रेड एग्जिट कर देनी है। मे बी स्टॉप लॉस बीट ना भी हो, तो भी अगर आपको न्यूज स्ट्रॉन्ग लग रही है कि हाँ ये न्यूज तहलका मचा सकती है, तो आपको ट्रेड एग्जिट कर देनी है, क्योंकि मैंने बताया ना आपकी कैपिटल सेफ रखना बहुत जरूरी है। अब बात एक और आती है इसी से रिलेट करते हुए कि आपने न्यूज पे ट्रेड एग्जिट कर दी, बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसी न्यूज कितनी बार आती है, साल 2 साल में एक दो बार आती है ना, तो आप वो साल 2 साल में एक दो बार के चक्कर में ट्रेड ही ना बनाएं, ये भी एक सही नहीं है। हालांकि फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, भाई मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा ट्रेड डिप्लॉय करने के लिए, आप अपने उससे देखें, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है। ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक ग्रेटफुल लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।